अत्यधिक बारिश के कारण भगवानपुर की सोलानी नदी में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ का पानी किसानों के खेतों तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से खेती योग्य भूमि का भारी मात्रा में कटाव हो चुका है। और यदि ऐसे ही नदी का पानी खेतों में आता रहा तो खेती योग्य जमीन बचेगी ही नहीं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने भगवानपुर SDM को ज्ञापन दिया और तटबंध के निर्माण की मांग की। ग्रामीण रविंद्र सैनी ने बताया कि इस बार भारी बारिश से सोलानी नदी के तेज बहाव में खेती की भूमि का भारी मात्रा में कटाव हो चुका है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। रविंद्र सैनी ने कहा कि यदि जल्द ही तटबंध नहीं बना तो आने वाले समय में भारी मात्रा में सोलानी नदी के पानी से भूमि कटाव हो जाएगा, जिससे खेती की भूमि पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। ग्राम प्रधान सुनील कुमार ने बताया कि पानी के तेज बहाव से अभी तो ग्रामीणों की फसलों का नुकसान हुआ है, यदि गांव की तरफ तटबंध का निर्माण नहीं हुआ तो गांव वालों को भी खतरा हो सकता है। नुकसान तो वहाँ काफी हो, लेकिन नुकसान से लोगों को आदत पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, वो सब झेल सकता है। सबसे दिक्कत है हमारे गाँव की, जो गाँव हमारे नदी के किनारे है उसमें नदी अतिक्रमण करके अंदर घुसती जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर हम गांव का बचाव के लिए ही हम यहाँ आए, उसके जो है हमें टक्कर बन जा, उसका रोक हो जाए, तो वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। है कि गांव की में पहले तो फसलों का नुकसान हो रहा था, कोई बात नहीं, पर अब जो सोलानी नदी है वो गांव की तरफ जा रही है, अगर और ज़्यादा टका होगा पूरा गाँव ही जुड़ जाएगा, वहाँ गाँव ही पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए गाँव के पैचिंग के लिए, तटबंध के लिए आए हैं SDM के पास, और जिससे भी पैचिंग हो जाए, गाँव की जान बच जाए, गाँव रह अपनी जगह। वहीं भगवानपुर SDM जितेंद्र कुमार ने कहा कि सिसोना के ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है जिसमें तटबंध की मांग की गई है, ज्ञापन को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। सिसोना गांव के लोग आए थे हमारे पास और इनका कहना है कि सोलानी नदी से काफी इरीगेशन डिपार्टमेंट है, उनको हमने निर्देशित किया है कि इसमें जांच कर लें और आवश्यकता लगी तो वहाँ पे प्रस्ताव बनाकर प्रेषित। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।